अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्यूवर्स, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं शाम में, बल्कि दोपहर के फ़ौरन बाद, जब गैस आ गई थी ना, गैस की बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही है आजकल। तो सिलेंडर पे बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से ना, जैसे ही गैस आती है तो मैं खाना बनाने की जल्दी करती हूँ ना। तो आज मैंने मसाला फ़िश बनानी थी, और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ़िश मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। फ़िश ही नहीं बल्कि सारा सी फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉन्स पसंद है। फिर ये फ़िश किसी भी तरह की हो, फ्राइड फ़िश हो, मसाला फ़िश, मतलब सालन वाली, और ये सालन वाली फ़िश तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और इज़ू भी बहुत शौक से खाती है, बल्कि मेरे सब बच्चे ही शौक से खाते हैं, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं साथ में आटा भी गूंद रही थी और साथ में सालन भी बना रही थी, क्योंकि फिर मगरिब की अज़ान हो जाती है, फिर मगरिब की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ना होता है, तो उस टाइम ज़रा मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ पहले ही, जैसे ही गैस आए ना, तो मैं खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ देखें जी, इतनी मज़े की फ़िश रेडी थी। इसे सालन कह लें, मतलब फ़िश का सालन कह लें, या मसाले वाली फ़िश कह लें, तो ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप उस वीडियो में जाके ना इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बस यहाँ मैंने खाना बना लिया था, लेकिन नीचे अदल और फेरोज़ कहते हैं कि आज हम बर्गर बनाने लगे हैं। अत्या आई हुई थी ना, तो फिर अदल और फेरोज़ ने ना इमरान भाई को भी बुला लिया कि आज बर्गर पार्टी करते हैं। तो यहाँ देखें जी, हमारी बर्गर पार्टी हो रही है। इतने मज़े के अदल और फेरोज़ ये बर्गर्स बनाते हैं। तो एक दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये बर्गर्स शेयर किए थे। ये देखें, तरह तरह की सॉसेज हैं, जिसका जो जी चाहता है ना, वो बर्गर में ये सॉस ऐड कर ले और खा ले। तो इतने तरह तरह के बर्गर्स हम लोगों ने ट्राई किए थे, इतने मज़े के बने थे। और अभी बर्गर बनाने से पहले ना, फेरोज़ ने ये फ़्राइज़ बना लिए थे। यहाँ देखें जी, सब इतना एंजॉय कर रहे थे ना, फ़्राइज़ के साथ डिफरेंट सॉसेस थी। लेकिन व्यूवर्स, मैं हमेशा ना फ़्राइज़ इस तरह खाती हूँ, ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर लेती हूँ और फिर खाती हूँ। इतने मज़े के लगते हैं ना, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं ये। फ़्राइज़ बना के ना, सिंपल जिस तरह बनते हैं फ़्राइज़, तो इनको ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल नरम नरम से रहने देना है। और उसके बाद ना इस पे नमक मिर्च स्प्रिंकल करके तो मैं खा लेती हूँ। यहाँ देखिए जी, फेरोज़ अब बर्गर्स बनाने लगा है, और उसके लिए पहले चिकन फ्राई करेगा। और चिकन हमने थाई का पीस लेना है बोनलेस, और उसे मैरिनेट करके रख लिया था एक रात पहले। अदल ने ना इसे मैरिनेट कर लिया हुआ था, और मैरिनेट उसी कोटिंग मिक्स से ना करना है, नोर का जो कोटिंग मिक्स मसाला है ना, उससे इसे मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। और अब उस वही कोटिंग मिक्स मसाला थोड़ा सा ना ये इसमें मैदे में डाल लेना है, और उसमें अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर इस पे चिकन पे इसकी कोटिंग कर देनी है। तो कोटिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए चिकन को ठंडे पानी में रखना है। ठंडे पानी में रखने के बाद अगेन कोटिंग करनी है, और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना इसे फ्राई कर लेना है। 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, क्योंकि ये थाई का पीस है ना, ये कुक करने में, इसे कुक करने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए इसे ज़्यादा टाइम देना है। और फिर रोज़ इतने मज़े के ये क्रम्स बनाता है ना, दूसरा कोई भी ऐसे क्रम्स नहीं बना सकता। या ये क्रम्स, मतलब इसके जो चिकन के क्रम्स बनाते हैं ना, इसकी कोटिंग फेरोज़ अच्छी करता है, या फेरोज़ के अलावा मैं अच्छी करती हूँ। और वाकई मैं ये जो फ्राइड चिकन बनाती हूँ, सबको इतना पसंद आता है ना, उसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। और मेरे अलावा ना ये फेरोज़ बहुत मज़े का बनाता है चिकन, बाकी सब भी बहुत अच्छा बनाते हैं, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। यहाँ देखें जी, चिकन रेडी था, और अब बर्गर्स की असेंबलिंग होने लगी थी। असेंबली कहेंगे ना हम, या बर्गर बनाने लगे थे। ये देखें जी, अदर सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रख रही है कि बर्गर बनाने में आसानी हो जाए।
और फिरोज़ ये अभी तक फ्राई कर रहा है साथ साथ, और देखें सिलेंडर पे कितना डेंजरस लगता है ना फ्राई करना। तभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और मैंने फ़िश जल्दी से बना ली थी। लेकिन फिर अदल ने नीचे बुला लिया कि हम लोग बर्गर बनाने लगे हैं, आप लोग नीचे ही आके खाओ, वैसे भी एक दफ़ा खाना खा लें तो फिर दोबारा से फ़ास्ट फूड भी नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता। इस वजह से फिर मैंने फ़िश वैसे ही रहने दी, वो फिर हमने कल खा ली थी और मैंने आज भी खाई है। फ़िश मुझे पसंद ही बहुत है, मुझे हर रोज़ भी मिले तो मैं खा लेती हूँ। चलें व्यूवर्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो अब लाइक तो करना बनता है ना, इतनी मज़े की वीडियो है तो लाइक कर दें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी कर दें। तो यहाँ देखें जी, बर्गर रेडी हो गए थे, हम सब ने फिर बर्गर्स खाए और इतने मज़े के ये बर्गर बने थे ना। अल्लाह ताला हमारे सबके रिस्क में इजाफ़ा करे। बहुत मज़े के फिरोज़ और अदल ये बर्गर्स बनाते हैं, और मैंने पहले भी जब आप लोगों के साथ ये बर्गर्स शेयर किए थे तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह मैं इस इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो जल्दी इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी बनाऊँगी। एक्चुअली ये मुझे ख़ुद बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये मोस्टली अदल और फिरोज़ ही ये जिंगर बर्गर्स बनाते हैं ना, तो बस इस वजह से इनकी रेसिपी अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।